Welcome to presentation of IDFC First Bank. Earlier we have uploaded a video on IDFC First Bank on 5th October. So after that the development is that Q2 results are declared on 31st October on Saturday after Friday market closing. So the effect of these results will be visible on Monday when market open. So let us start with usual disclaimer. So 31st October जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसमें बैंक ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिटेल एसेट रिपोर्ट किया है. रिटेल बुक जो है 25% ग्रो कर गई YOY. रिटेल कंस्टिट्यूट 63% ऑफ लोन एसेट और होलसेल फंडेड बुक डिक्रीज हो गया 20%. इंफ्रास्ट्रक्चर लोन डिक्रीज हो गया 27%. ये सब YOY फिगर है. स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिटेल लाइबिलिटी साइड में कासा डिपोजिट इंक्रीज YOY 142% और अभी जो है 30,181 करोड़ हो गई. कासा रेशियो इम्प्रूव होकर 40.37 हो गया जो एक साल पहले 18.7% बहुत कम था और अभी 40 जो है रिस्पेक्टेबल एक लेवल होता है किसी भी बैंक का. कासा रेशियो 40% एंड अबव इज कॉल्ड रिस्पेक्टेबल. बिलो 40 इज नॉट रिस्पेक्टेबल. कोर डिपॉजिट इंक्रीज हुआ 119% से 49,610 करोड़. होलसेल डिपॉजिट घटा दिया 31%, 19,700 करोड़ रह गया ये अभी. टोटल कस्टमर डिपॉजिट जो है 35% बढ़ गया और बैंक का जो स्ट्रेटजी है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बल्क डिपॉजिट होती है वो घटाने का उनका बैलेंस शीट में कम करने का उनका टारगेट था और वो 65% रिड्यूस होने के बाद अब सिर्फ 5,399 करोड़ बची हुई है. कारण यही है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग रहती है और इसके लिए उससे कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है और इसके लिए वो जो घटाने में ये लोग लगे हुए हैं. दूसरा अर्निंग में ग्रोथ हुआ है. स्ट्रॉन्ग नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ बाई 22% YOY जो है 1,363 करोड़ से बढ़ के 1,660 करोड़ होगी. नीम इम्प्रूवमेंट हुआ है 3.43% था नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो 4.57 हो गया. ये निम्ब जो है 4% के ऊपर का अच्छा माना जाता है और 4.57 बहुत बढ़िया नेट इंटरेस्ट मार्जिन लेवल पे ये बैंक जो है रिपोर्ट किया है Q2 में. स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टोटल इनकम. तो टोटल इनकम जो है वो 21% बढ़ गई है जो 1,884 करोड़ थी उससे 2,288 करोड़ हो गई साल में. स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP बोलते हैं इसको. 36% बढ़ गया वो 590 करोड़ से बढ़ के 803 करोड़. मगर इसमें एक चिंता की बात है कि जो QOQ है ये PPOP 10% घट गया जो मैनेजमेंट हाइलाइट नहीं करता इन जनरल उसमें हाइलाइट नहीं करता है. उसके बाद प्रोविजनिंग जो है वो बढ़ा दिया है YOY 489 करोड़ से 676 करोड़ है किया है. और इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मतलब अलग अलग मार्केट हाउ इट रिएक्ट्स टू दिस एस्पेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट. बैंक ने क्या किया इनका जो टेलीकॉम सेक्टर का जो प्रोविजन था उसमें से 811 करोड़ रिलीज कर दिया क्योंकि 1622 करोड़ था उसका आधा इन्होंने रिलीज कर दिया है. कारण ये था कि जो वोडाफोन वगैरह जो टेलीकॉम कंपनियों की AGR लाइबिलिटी थी तो उसको लेके इन्होंने जो है वो किया हुआ था प्रोविजन किया हुआ था. और जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि AGR लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी पेड इमीडिएटली दे आर कैन बी पेड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर तो उसके लिए इन्होंने जो है ये 1622 करोड़ में से 811 करोड़ प्रोविजन रिलीज कर दिया. और उसको जो प्रोविजन को यूज किया है उन्होंने कोविड रिलेटेड प्रोविजन के लिए यूज किया है और 2000 करोड़ जो है उसके लिए प्रोवाइड किया है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 101 करोड़ रिपोर्ट किया है एज अगेंस्ट 680 करोड़ लॉस इन Q2 एंड 94 करोड़ प्रॉफिट इन Q1. और तीसरा क्वार्टर है ये बैंक का लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट करने का. स्ट्रॉन्ग असेट क्वालिटी है. अभी आपका जो है ग्रॉस एनपीए रिड्यूस होके 1.99% QOQ से 1.62% हो गया. नेट एनपीए 0.51% से 0.43% हो गया बहुत अच्छा है. अब प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है जो 56% हुआ करता था एक साल पहले वो 73.69 करीब 74% है. यहाँ पे भी जो प्रोविजन कवरेज रेशियो में भी पिछले क्वार्टर में ये 75% था और इस क्वार्टर में 74% है. 1% की गिरावट आई है थोड़ा चिंता का विषय है.
इसमें अगर जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव के हिसाब से अगस्त के बाद का जो है एनपीए क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, अगर उसको मानते हैं तो क्या होगा कि जो आपका ग्रॉस एनपीए 1.62 रिपोर्ट किया वो बढ़ के हो जाएगा 1.87 और नेट एनपीए जो है जो अभी घट के लग रहा है 4.3 हो गया वो 0.6 हो जाएगा। तो इस सर्कुलर की वजह से जो रिपोर्टेड फिगर हैं वो अंडर रिपोर्टेड और अंडर एस्टिमेटेड उसको बोल सकते हैं। और इनका क्या है कि रिटेल में जो है स्ट्रॉन्ग असेट क्वालिटी रिपोर्ट किया है, रिटेल में एनपीए जो 0.41 है जो पिछले क्वार्टर में जो है 0.87 थी उसके साल पहले 2.31 थी, रिटेल नेट एनपीए 0.17 है जो पिछले क्वार्टर में 0.24 थी और एक साल पहले 1.08 थी, कैपिटल एडिक्वेसी अभी 14.73% है और सीटी रेशियो 14.33 है, ये पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है मामूली, और ब्रांच नेटवर्क जो है ये भी बढ़ गया है 523 ब्रांच हो गई और 509 एटीएम अभी है 30 सितंबर को, आगे बताएंगे पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन के बारे में आगे डिटेल में है। तो अभी जब पूरा एट ए ग्लांस हम देखते हैं जो परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का है तो 3928 है इंटरेस्ट रेट, वो 3913 है घट गया, अदर इनकम 484168 घट गया। तो इन्होंने हाईलाइट में क्या दिखाया सितंबर 19 से अभी का दिखाया है तो उसमें भी जो है ये घट गया है टोटल इनकम, इसको वहाँ हाईलाइट नहीं किया गया, एक्सपेंस घट गया है ये हाईलाइट किया गया है, और जो आपका प्रॉफिट है प्रॉफिट 676 करोड़ इधर दिखाया वो 109 करोड़ हो गया, ये रिपोर्ट किया लॉस से प्रॉफिट और यहाँ पिछले क्वार्टर से भी थोड़ा बड़ा है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 900 करोड़ की बजाय 353 करोड़ है, इस चीज को उसमें बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया, पहले ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 421 करोड़ दिखाया हुआ है तो इससे भी ये कम है, तो ये हाईलाइट में नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान देने का आइटम है। इसके अलावा जब देखते हैं रिटेल का जो परसेंटेज है, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है 35, 37, 45, 54, 54% अभी हो गया रिटेल क्या बोलते हैं रिटेल फंडेड असेट्स। इसी प्रकार से रिटेल फंडेड असेट हैज ग्रोन कंसिस्टेंटली ओवर क्वार्टर्स, तो अभी 59,860 करोड़ पिछली तिमाही में 56,000 करोड़ थे और एक साल पहले 48,000 करोड़ थे, तो YOY इंक्रीज 25% बेस में रिपोर्ट किया है। होलसेल जैसा कि देख रहे हैं डाउन हो रहा है, और ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है उसमें घटा घटा के अभी 27% पे ले आए, 22,000 करोड़, 21,000, 20,000, 17,000 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में, अभी 12 पे ले आए। जो खतरे वाला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला में बहुत डिफॉल्ट वगैरह होती है, बहुत सारी इसमें सेक्टर एसोसिएटेड रिस्क है। इसके अलावा जो कासा डिपॉजिट का ग्रोथ देख रहे हैं, YOY ग्रोथ 142% है, QOQ ग्रोथ 28%, बहुत अच्छा है, बहुत डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में बहुत जोर दिया इन्होंने और उसमें इनको सफलता भी मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो सुधार हुआ है अगर देखते हैं Q2 से 3.43 से 4.57 है, 4.53 से भी 4.57 है, तो ये बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस इसको कहा जा सकता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के टर्म्स में। ग्रॉस और नेट एनपीए जैसा बताया कि वो प्रोविजन नहीं किया, नहीं तो स्थिति जो है कुछ और रहती, 0.43 वुड हैव बीन 0.6 एंड दिस 1.62 वुड हैव बीन 1.87, जो 31 अगस्त के बाद जो प्रोविजन किए नहीं है उसके लिए ये 1.62 और 0.43 है। जहां तक शेयर होल्डर का सवाल है, इसमें जो परसेंटेज वाइज है वो प्रमोटर का 40% है, IDFC होल्डिंग फाइनेंशियल होल्डिंग जो कंपनी है, उसके बाद वारबर्ग पिंकस का करीब 10% होल्डिंग है, गवर्नमेंट का प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया 4.6 है, और ICICI प्रोडेंशियल लाइफ और ये सब बाकी शेयर होल्डर हैं, तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मुख्य होता है कि रिटेल पब्लिक 23.4, ये थोड़ा ज़्यादा है कि जब अभी क्या है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ता है रिटेल घटता है, इसका मतलब जो है प्राइस विल गो अप, तो अभी जो है प्राइस अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब प्राइस जो है अट्रैक्टिव है, और जिस दिन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जैसे यहाँ पे 10% वार बार इनकस लेके बैठी हुई है उस तरह से जो है
प्राइस में अच्छा आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। ये एनुअल परफॉर्मेंस के बारे में बताया है, जो 8,000-9,000 करोड़ रहती थी वो पिछले साल में 16,000 करोड़ है, और अभी जो इससे इतनी सब खराब हालत होते बावजूद इसके आसपास ही जो है एनुअल नंबर जो मार्च 21 में आएंगे वो ऐसा उम्मीद है कि वहाँ तक उसी लेवल में नंबर रिपोर्ट कर पाएंगे, और जो ये जो लॉस दिख रहा है 2,843 करोड़, इसकी जगह में प्रॉफिट नजर आएगा। और जहां तक शेयर प्राइस मूवमेंट है, 5 साल के का शेयर प्राइस मूवमेंट हमने दिखाया हुआ है, तो उसमें अभी जो हाल फिलहाल में जो है ये 30 रुपए के आसपास 30-32 इसी रेंज में चलता है, उसके पहले तो 40 के ऊपर भी गया था, तो अभी मतलब एक तरीके से बोलिए तो कंसोलिडेट कर रहा है उसी रेंज में, और अगर 30 की रेंज में मिलता है या और नीचे मिलता है तो एक अच्छा बैंक है जिसमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट है लेड बाय वैद्यनाथन, जो उनका बैकग्राउंड और उनका जो एक्टिंग मतलब ग्रोथ प्रोफाइल जो कैपिटल फर्स्ट में रहा है उसको देखते हुए जो है उनसे बहुत अच्छा मार्केट को उम्मीद है, और उन्होंने जो अभी तक परफॉर्मेंस इसमें दिखाया वो बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट अच्छा होना और एक बड़ा सही दिशा में ये बैंक जो है काम कर रहा है, तो उसकी वजह से ये बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इसमें हैं। तो अभी पॉइंट टू पॉइंटर में हम उन्हीं चीज़ों की चर्चा करते हैं कि क्या क्या मिलता है। रिटेल बुक इंक्रीज हो रहा है, होलसेल बुक डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों भी पॉजिटिव है, और कासा डिपॉजिट जो है बढ़ गई अभी बहुत ज़्यादा, 40% के ऊपर आ गई जो है अभी कंफर्ट लेवल में आ गई, पहले तो डेस्परेट लेवल था, जो 40 के नीचे रहता तो बैंक को डेस्परेट होना चाहिए टू ब्रिंग इट अप टू 40। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो घटा दिया है, कोर अर्निंग NIA ग्रोथ 22% मिल गया, NIM 4.57 बड़ा बहुत अच्छा है, उसके अलावा प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, जो भी QOQ घट गया थोड़ा सा चिंता का विषय है, और लगातार तीसरा क्वार्टर प्रॉफिट का है कि ये सब कंडीशन लॉकडाउन वगैरह वगैरह सब है। उसके अलावा जो है ग्रॉस NPA नेट NPA का देख लिया आपने, प्रोविजन कवरेज रेशियो देख लिया है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एजुकेशन देख लिया, और 2,000 करोड़ इन्होंने का जो कोविड रिलेटेड प्रोविजन किया है। उसके अलावा जो ब्रांच नेटवर्क 503 से 523 हो गया, और ATM 417 से 509, ये लॉकडाउन पीरियड के बावजूद इन्होंने इतना सारा ATM लगाया और इतना सारा ब्रांच भी बनाया 20, बहुत अच्छा। तो ये सब था IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, उम्मीद है कि आपको जो है जानकारी से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, और आप डिसाइड कर सकते हैं आपके पास यदि पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जो लेवल है ये लेवल के आसपास 5-10% ऊपर नीचे, तो वो इसमें पहले समय में लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट बोले कि ये जो है नया मतलब दिस विल बी नेक्स्ट HDFC, जो भी हो HDFC बहुत दूर से तो बहुत दूर है अभी, बट इट विल शो गुड ग्रोथ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि जब भी जो बेनिफिट मिलेगा जो कैपिटल फर्स्ट का नेटवर्क इसको मिला है बैंक को, तो उससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और ये प्राइमरीली जो है होलसेल बैंक थी जो IDFC के पास थी जब ये बैंक बनी है, और अभी आके इसमें जो है इतने साल के बाद में इसमें पूरा फोकस जो एकदम रिटेल में हो गया है, और रिटेल से जो है वो दोनों चीज़ का फायदा मिलता है आपको, एक तो स्टेबल कस्टमर मिलते हैं और डिफॉल्ट वगैरह नहीं होते उसमें, तो ये और आपका मतलब जो निम पे बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और एसेट क्वालिटी में और निम में दोनों जो मेन पैरामीटर रहते हैं बैंक के बढ़िया बैंक के, और जो बैंकों के बढ़िया वैल्यूएशन है फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक है या HDFC बैंक है, उनके बढ़िया पैरामीटर इसीलिए हैं क्योंकि निम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटी की चर्चा करते रहते हैं, तो उसको बहुत अच्छे प्राइस टू बुक वगैरह पे मिलते हैं। अभी इसका प्राइस टू बुक 1 पे मिल रहा है जबकि HDFC का 3 है, तो अगर ये थोड़ा कैचअप करेगा तो मतलब 1 से 1.5 भी हो जाएगा, तभी तो आपको 45 रुपये हो मिलेगा, तो उस तरह का है। हम टारगेट वगैरह नहीं देते मगर ये हैं जो पैरामीटर इतने अट्रैक्टिव हैं और इतना विजिबिलिटी है कि ये सब आएगा, मतलब अनसर्टेनिटी पार्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्या नगण्य है आप बोलिए तो ये सबसे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है इसमें दी हुई जानकारी आपके काम में आएगी और वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई डाउट है या कुछ भी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर उसका जो है उत्तर देते हैं, कमेंट का रेस्पॉन्ड करते हैं, और उसको आप
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके अलावा जो है हम जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है, जो हमारी जो ट्विटर हैंडल है बीसवां सिटी, उसके ऊपर पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं और चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और यही है, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये एडवांटेज मिलेंगी। थैंक यू।